वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शहर कराची के मंसूबों से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा सैयद मुराद अली शाह, जाम मेहताब डर, जाम खान शोरो चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर कराची, MD वाटर बोर्ड और दीगर मुतालका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि शहर में पानी चोरी करने वाली माफिया बहुत ताकतवर है। शहर में पाइप लाइनों से रोजाना 1 करोड़ गैलन पानी चोरी करके सनअतकारों को फरोख्त किया जाता है। जिन इलाकों से पानी चोरी किया जाता है उनमें शेरशाह, पाक कॉलोनी, बल्दिया, गुलबाई, माड़ीपुर, लियारी, जहानाबाद और PIB शामिल हैं। इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहर से पानी चोरी करने के मामले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो पुलिस को खुसूसी इख्तियारात देंगे ताकि इन खुफिया लाइनों को खोदकर मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। इजलास में बताया गया कि DG रेंजर्स और IG पुलिस ने 25 पानी चोरों की लिस्ट फराहम की है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को सख्ती से हिदायत दी कि किसी ईमानदार SP को अलग से मुकर्रर करके माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए।